दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं बरेली के बरेली क्लब ग्राउंड पर और यहाँ पर 3 दिवसीय उत्तरायणी मेला शुरू हो रहा है 13 तारीख से। 13, 14 और 15 जनवरी को भव्य उत्तरायणी मेला लगेगा जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति पूरी तरीके से बरेली में नज़र आएगी। एक छत तले उत्तराखंड कि जहाँ सांस्कृतिक दल अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे होंगे, भाई उत्तराखंड की दालें, उत्तराखंड के बूलन कपड़े और तमाम तरीके की जड़ी बूटियाँ, अचार, मड़ुआ का आटा, गोंद और भट की दाल, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बहुत उपयोगी है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी है। चाहे वो बांस का अचार हो, मुनस्यारी का सफ़ेद रंग का राजमा हो, ऐसी तमाम चीज़ें इस मेले में आपको देखने को मिलेंगी, खरीदने को मिलेंगी। ज़रूर आइए आप भी इस मेले में और देखिए, मौसम भी बेहतरीन हो चुका है बरेली का। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारी एक खास। ये उत्तराणी जनकल्याण समिति द्वारा आयोजित उत्तराणी मेला जो 13, 14, 15 इस बरेली क्लब मैदान ग्राउंड में शुरू होने वाला है हमारा, और 13 तारीख को इसकी रंग यात्रा जो है बरेली कोतवाली से हमारी निकलेगी, जिसमें रंग यात्रा को हरी झंडी दिखाकर माननीय महापौर बरेली श्री उमेश गौतम जी के द्वारा झंडी दिखाई जाएगी। मेले का उद्घाटन 12 बजे बरेली क्लब ग्राउंड पे जब हमारी रंग यात्रा अपने संगीत के साथ यहाँ पर पहुँचेगी, तो माननीय पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेश कुमार पांडे जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और इस बार एक सेल्फी पॉइंट, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको अभी बताया, एक नया सेल्फी पॉइंट बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, वो हो सकता है कल तक उसमें कुछ दिखने लगेगा हमें। बाकी उत्तराखंड से भी कई एक, हम 2-3 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, उनका अभी भी हमें उम्मीद है कि शायद 14 तारीख को यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं, और हमारे अध्यक्ष जी पाठक जी उस पर लगातार संपर्क में हैं। मदन कौशिक जी, रेखा आर्य जी, अजय भट्ट जी जो कि सांसद नैनीताल हैं, ये कई एक विशिष्ट मेहमानों का यहाँ पर आना भी लगभग तय है। और इस मेले में ये बरेली मंडल का ही नहीं, ये पूरे प्रदेश स्तर में एक काफ़ी अपना स्थान धारण कर चुका है, और जो हमारे बुजुर्गों ने आज से 25 साल पहले जो इसकी पृष्ठभूमि रखी होगी, आज ये इतना विकराल रूप अपना धारण कर चुका है कि इसको संभालने में भी और इस बरेली क्लब ग्राउंड के भी छोटे पड़ने की पूरी संभावनाएँ आगे आने वाले समय में लग रही हैं। लेकिन इस मेले में मैं आप पत्रकार बंधुओं का और इस बरेली मंडल के सभी लोगों का जो भी हमें सहयोग करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से भी हमारा मेला काफ़ी जोर पकड़ता जा रहा है और एक काफ़ी अच्छा मेला करने की कोशिश करते हैं। हमारे सांस्कृतिक प्रभारी, हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे सुरक्षा प्रभारी, सारे प्रभारियों का अपना अपना एक काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, और पिछले 3 महीने से सदस्य ही नहीं उनके परिवार के सदस्य भी इस मेले को संवारने में, इसको अच्छा करने में हर तरह से कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा सा आप लोगों ने मौसम थोड़ा साथ नहीं दिया, और पिछले 3 दिन से लगातार हमारे कार्यकर्ता ये पीछे वाली साइड में जहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या आई, उसमें भी आप लोगों का और सभी का सहयोग रहा, तो कहीं ना कहीं आज धूप भी खिलाई है, ये मेला बड़ा अच्छा होगा और इस बरेली मंडल को एक अच्छा उत्तराखंड की जो है दुकानें यहाँ पर मिलेंगी, एक सामान अच्छा मिलेगा। कहना चाहेंगे इस मेले की क्या खसूसियत है? 26वां उत्तराणी मेला, बहुत कुछ यहाँ पर 3 दिन में उत्तराखंड समाज और बरेली की पूरी जनता यहाँ पर दिखाई देगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कई तरह की जड़ी बूटियाँ और जो हथकरघा उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, और 3 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। उत्तराणी मेला बेसिकली उत्तराखंड का जो मुख्य त्यौहार है मकर संक्रांति, उसको लेके मनाया जाता है। इस मेले का उद्देश्य यह है कि हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति से अपने परिवार, अपने बच्चे, यहाँ उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को इससे रूबरू कराएं, और हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हुए हैं। इस वर्ष जो है 26वें मेले का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा करीब करीब 90 स्टॉल हमको दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर भी स्टॉल हैं, सारी कई अदर स्टेट्स के भी स्टॉल्स हमारे पास आए हुए हैं। इस बार साहब एक सेल्फी पॉइंट बनवा रहे हैं हम लोग, इसका वर्टिकल सेल्फी पॉइंट, ये बरेली में एक्सक्लूसिव सेल्फी पॉइंट बनेगा, और इसमें इस बार मेन खास मोहन त्रिपाठी है, मुकुल मोहन त्रिपाठी। इस बार क्या खास होने वाला है? इस बार जो है हर वर्ष की बात, इस बार भी अपनी छोलिया टीम विशेष रूप से और उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन होगा, और विशेष रूप से जो है राजमा जो हमारे मुंशारी क्षेत्र की आती है उसका, और साथ ही बांस का अचार लोगों को बहुत पसंद आता है, बरेली के लोगों को उसकी विशेष डिमांड है, और आज ही हम जैसे मार्केट में निकला तो लोग अभी से जो गोहत जिसको लोकल में कुल्थी की दाल कहते हैं उसकी डिमांड अभी से है। खास इस बार
इस बार का खास आकर्षण आपको बच्चों के लिए आकर्षक झूले और सेल्फी पॉइंट मनाया जा रहा है और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन भी हम लोग इस बार यहाँ पर मेले में कराएंगे। स्टॉल धारकों में हिमालयी क्षेत्र से जड़ी बूटियाँ, मड़वे की नमकीन बिस्कुट डायबिटिक पेशेंट के लिए और सब रहेगा, सब सारी चीज़ें। मेरा नाम है जगदीश आर्या, उत्तराखंड लोक गायक। जगदीश आर्या साहब, क्या है इस बार खास बरेली में? बरेली में इस बार उत्तराणी जो हमारे पहाड़ के स्टोला आएंगे, तुम्हारे वहाँ की खास जान दाल है, जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार की जो दालें आती, मसाले उन्हीं वस्त्र आते हैं हमारे उत्तराखंड से, वहाँ के कल्चर प्रोग्राम, झोड़ा चाचरी, रमोल झोड़ा, ये कई चीज़ें वहाँ को देखने को मिलेंगी यहाँ पर उत्तराखंड के सभी बरेली क्लब में। और जो हमारे दो गायक आ रहे हैं, जो हमारे बीच में आने वाले हैं इस बार, बहुत पुराने गायक हैं श्री नरनाथ रावल जी और झोड़ा जागर हागर। क्या खास है इस बार? मेला तो हर बार खास ही होता है, हर बार खास हो, इस बार भी खास होगा। भगवान ने देखो कितनी बढ़िया दृश्य रखी है कि एकदम मौसम गड़बड़ था, आज से इतनी बढ़िया धूप निकल गई। और मेरा सभी अपने बरेली जनपद वासियों को, सभी लोगों को सबसे अनुरोध है कि हमारे मेले में आएँ और मेले की शान को बढ़ाएं। चंद्रप्रकाश जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या कहां से आ रही टीमें? टीमें हमारे पास उत्तराखंड से विभिन्न जगह से हमारे पास टीमें आ रही हैं, हल्द्वानी से, खटीमा से, दिल्ली से, देहरादून से हमारे पास सांस्कृतिक टीमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने बरेली मेला प्रांगण पर आएंगी। कल शाम तक हमारे पास मैक्सिमम टीमें बरेली पहुँच जाएंगी। दिनेश चंद पंत पंजी, क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस बार हमारा उत्तराखंड मेला जो है 26वां मेला है और इस बार जो है इसमें खास रहेगा, कुछ कुछ खास ये रहेगा, जड़ी बूटी मसाले सब रहे, मसाले सभी हमारी जो आ रहे हैं पहाड़ी के जिस संस्कृति हैं सभी तरह के यहाँ पे वो आ रही है। मैं इसका मुख्य संरक्षक हूँ। बताइए कुछ मेले के बारे में थोड़ा इस बार। और मेला जो है इस बार ये 26वां मेला है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से मेले की भव्यता की संग तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर, और दूर दूर से स्टॉल्स का आना शुरू हो गया है। सांस्कृतिक टीमें जो हैं वो कल से आना शुरू हो जाएंगी और ये मेला लगभग जो है 3 दिन अपने पूरे बरेली शहर को उत्तराखंड के संस्कारों में रंग लेगा। इस मेला प्रांगण में आपको लगेगा ही नहीं कि आप उत्तराखंड से बाहर कहीं हैं। ठीक, थैंक यू जी। क्या नाम है? मैं कमलेश सिंह बिस्ट। क्या कहना चाहेंगे इस बार के लिए? मतलब इस बार उत्तराणी मेले में हम लोग पूरे 200 से लगे हुए हैं, ये 26वां हमारा उत्तराणी मेला है और हम लोग थोड़ा सा मौसम के वजह से थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अपने टाइम पे मेले को पूरा करेंगे और भरपूर बरेली की पूरी जनता इस मेले का आनंद लेगी। मेरा नाम अंबादत्त मटपाल। मटपाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेला जो हर साल लगता है जोर शोरों से, उससे और अच्छा लगेगा इस साल और ईश्वर ने देखिए मौसम को एकदम सुहाना बना दिया।